नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इस बार जो चेकिंग है हमारा पेपर, वो तो कॉलेज में हो रहा है, ठीक है, जो इवेंट सेमिस्टर का एग्जाम हुआ था, तो क्या बैक लगने का चांसेस है या फिर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर करवा के दिया जाएगा, इसका रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि देखिए, अगर आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, अगर आपने करेक्ट लिखा है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, और अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको कैसे पास करा के दिया जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को पास करा के दिया जाएगा, किसी को भी बैक नहीं लगेगा, ये पूरा गलत है। आपने जैसा लिखा है उस हिसाब से आपका मार्क्स दिया जाएगा। कॉलेज का चेकिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टूडेंट्स को पास करा के दिया जाएगा। जो स्टूडेंट जैसे लिखा है उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना दिमाग से बात हटा दीजिए कि इस बार सभी स्टूडेंट को पास करा के दिया जाएगा, एंड जिसने जैसे लिखा है उस हिसाब से मार्क्स सभी को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।